बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों को कांग्रेस ने बाहरी उम्मीदवार बताया है, जो कभी बीजेपी के नहीं थे लेकिन बीजेपी में आने के साथ ही विधायक का टिकट उन्हें दे दिया गया। तो क्या ऐसा करके बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है और अपने कैडर को दरकिनार कर रही है, विपक्ष को हमले का मौका दे रही है? देखिए ये रिपोर्ट। बद्रीनाथ उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी हैं, जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस से आए राजेंद्र भंडारी को तुरंत विधायक का टिकट देने से कार्यकर्ता नाराज हैं। कर्णप्रयाग में बीजेपी के विधानसभा प्रभारी नवल भट्ट ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर की। नवल भट्ट ने लिखा, जो कार्यकर्ता का ना हुआ वो जनता का क्या होगा, मुझ जैसा कार्यकर्ता आज से तुम्हारी हार का मुख्य कारण बनेगा। राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से आए तो मंगलौर में बीजेपी के उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना हरियाणा के रहने वाले हैं। करतार सिंह भड़ाना ने अब तक एसपी बीएसपी राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति की। बीजेपी में शामिल हुए तो हरियाणा के करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी ने मंगलौर से उम्मीदवार बनाया है। यही वजह है कि कांग्रेस उपचुनाव में खड़े दोनों उम्मीदवारों को आयातित उम्मीदवार बता रही है और बीजेपी पर अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो बीजेपी में जो आ गया वो बीजेपी का हो गया, फिर कोई फर्क कैसा। भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति पार्टी सदस्यता बनता है वो बीजेपी के परिवार का अंग होता है और परिवार के व्यक्ति को हम टिकट देते हैं। आयातित शब्द हमारे यहाँ कोई प्रयोग हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते ही व्यक्ति भाजपा में हो जाता है। नहीं नहीं, नवल से हमारी कल चर्चा हुई है, माने वाले मामले से बातचीत की है। कुछ कार्यकर्ता का भाव रहता है, उसका कोई टिकट की दावेदार का पक्ष रहता है, इसलिए कुछ बातें आती है, कंट्रोल किया जाएगा सब जगह। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड और देश भर में दूसरे दलों के नेताओं को साथ जोड़ा, बड़ी संख्या में उन्हें टिकट भी दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि पार्टी के लिए चुनाव जीतना जरूरी है और जीतने वाले को ही टिकट मिलता है, किसी को खुश करने या संतुष्ट करने की बात का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे विश्व में चर्चा होती है, बात होती है, जीतने की विनिवल्टी किसमें क्या है। चुनाव हमेशा विनिवल्टी के लिए लड़ा जाता है, तुष्टिकरण संतुष्टि के लिए नहीं लड़ा जाता, और उस विनिवल्टी को देखते हुए संगठन ने निर्णय किया है। उत्तराखंड बीजेपी के दो नेताओं की बात से साफ है, जीत के लिए बीजेपी कोई भी फैसला लेने को तैयार है, उसमें फिर चाहे दूसरी पार्टी से आने वाले को पहले चुनाव लड़ने का मौका ही क्यों न देना पड़े, जो मंगलौर और बद्रीनाथ में हो रहा है। जोशीमठ से नितिन सिंहवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। भीषण गर्मी के बीच प्रदेश के कई इलाकों में आग लगने की घटना सामने आई। प्रयागराज में चलती कार में आग लग गई। फतेहपुर में आग से दो घर जलकर राख हो गए। हाथरस में रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग लग गई। उधर जौनपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से पावर स्टेशन में आग लग गई। मिर्जापुर की बात की जाए जहां पर एक हादसा हुआ, प्लास्टिक पाइप के गोदाम में आग लग गई है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, 5 जगहों पर आज आग लगने का हादसा हुआ है। बात फतेहपुर की जाए तो यहाँ पर दो घरों में भीषण आग लगी। गनीमत रही कि लोगों ने अपनी जान बचा ली है भागकर। भीषण आग देख गांव वालों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। डर ये था कि आग फैलकर दूसरे घरों को भी अपनी चपेट में ना ले ले। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गाड़ियों में भी आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। प्रयागराज में नैनी इलाके के यमुना पुल पर चलती कार में अचानक ही आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। राहत की बात रही कि कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। आशंका जताई जा रही है कि ओवरहीट की वजह से कार का इंजन और दूसरे पार्ट्स ज़्यादा गर्म हो गए थे और इसी वजह से आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पहुँचने से पहले ही कार पूरी तरह से जल चुकी थी। मिर्जापुर में प्लास्टिक पाइप के गोदाम में आग लगी है। पेयजल योजना के लिए रखी गई पाइप्स आग की चपेट में आ गई। आग की वजह अभी तक साफ नहीं है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया।
देहात कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। स्थानीय लोगों की माने तो किसी ने बीड़ी सिगरेट पीकर पाइप की तरफ फेंका, जिसकी वजह से आग लगी। हालांकि इस बारे में अभी पुष्ट खबर नहीं है। वहीं दमकल की गाड़ियों के देरी से पहुंचने की भी बात लोग कह रहे हैं और बगल वाली बाउंड्री को भी नुकसान पहुंचा है। इस घटना में लाखों का सामान जल गया। पौड़ी जिले में जंगल की आग एक बार फिर बेकाबू हो गई है। गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों की आग में भी इजाफा हुआ है। देर रात नागदेव और गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी परिसर के पास से जंगल धधकते रहे, जिसे काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। वहीं वन विभाग का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही आग की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।